दोस्तों फाइनली जो है एक बड़ी अपडेट के साथ आए हैं, जैसे कि धूम 4 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है और स्पाई एनिवर्सरी अब जो है काम करने जा रही है धूम 4 पर। हो सकता है इसमें जो है रणवीर कपूर आपको नज़र आए, क्योंकि जो है एनिमल के बाद फिर से एक बार जो है वो नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे वो भी बहुत बिजी है। उनकी जो रामायण मूवी आने वाली है और संजय लीला भंसाली के साथ भी वो वर्क करने वाले हैं, और दूसरी बात एनिमल 2 का जो है शूट बहुत ही जल्दी जो है 2026 में स्टार्ट होने वाला है। एंड देन नाउ वैसे ही जो है आपको मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, जैसे कि शाहरुख खान सर जो है पठान 2 में बिजी होने वाले हैं, बट पठान वीएस टाइगर जो है अभी जो है ब्रेक मिला है वो मूवी को, अभी वो मूवी रिलीज़ होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए शूटिंग को रोक दिया गया। एंड देन आफ्टर ऑल जैसे कि टाइगर जो तक खास कमर दिखा नहीं पाई थी, और आदित्य चोपड़ा जो है अभी कुछ और ही प्लानिंग उनकी चल रही है, और आलिया भट्ट को लेकर जो मूवी आ रही थी उनकी अल्फा, एंड देन नाउ उसके बाद अल्फा के बाद जो है बहुत सारे मूवीज़ आने वाली है, और वार 2 पे भी उनका काम चालू है। एंड देन नाउ आपको 2026 में या इसी साल दिसंबर एंड तक ये टीज़र आप लोग देखने मिल सकता है वार 2 का। एंड देन नाउ फर्स्ट लुक जो है आपको टाइगर के साथ ही दिखाया गया था। ऐसी अपडेट के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए, और अपडेट चाहिए तो आप लोग को हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और धूम 4 के लिए आप लोग कितना वीडियो कमेंट में भी ज़रूर बता दीजिएगा। धूम 4 जो फ्रेंचाइजी है, पहले पार्ट में जो नज़र आए थे जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन एंड ईशा टेवल, लारा दत्ता, इज एट माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, एंड धूम 2 एंड धूम 3, अब धूम 4 में कितना कमाल कर पाएंगी ये